नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फोरी पर। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि सरकार द्वारा एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। चाहे दोस्तों आपकी अप्रैल महीने की पेंशन रुकी हुई हो, मई की, जून की, या फिर आपकी 2, 4, 6 आपकी जितनी भी पेंशन रुकी हुई है, वह पेंशन आपको कैसे दी जाएगी और किस प्रकार से आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं कि अप्रैल और मई जून की जो पेंशन है वह है दोस्तों 15 जून से आना प्रारंभ हो जाएगी। यह सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए क्लियर कर दिया है। साथ ही दोस्तों अब बात आती है कि किन व्यक्तियों को यह पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि किस व्यक्ति को, किस पेंशन धारक को कितनी पेंशन सरकार द्वारा अब की बार बढ़ाकर दी जानी है। दोस्तों अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कितने महीने की पेंशन आपको दी जानी है और दोस्तों कितनी बढ़कर आपके अकाउंट में अब की बार पेंशन आनी है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। दोस्तों इस बार गरीब बुजुर्गों को पहली किस्त यानी कि पहली तिमाही अप्रैल, जून और मई की वृद्धावस्था पेंशन भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी। यानी दोस्तों जो आपको अब की बार पेंशन आने वाली है, पहले उसका सत्यापन होगा। और सत्यापन दोस्तों ये होगा कि जो व्यक्ति पेंशन के तहत यानी कि पेंशन के लायक नहीं है, पेंशन पात्र नहीं है, तो उनको सरकार द्वारा पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को 15 जून 2021 तक लाभार्थियों का सत्यापन का जो डाटा है वह क्लियर करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपात्र हैं और वह भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों अपात्र किस प्रकार से हैं वह भी आपको बताया जाएगा। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको सरकार द्वारा अब की बार पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आगे जानकारी दी गई है कि सत्यापन के बाद जितने भी अपात्र मिलेंगे या उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जो पेंशन धारक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों जो उनके अकाउंट में पैसा आता है तो वह जो दोस्तों उनके पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, तो वह उसका लाभ उठाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अब की बार सरकार द्वारा पेंशन नहीं दिया जाएगा और जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिस्ट से नाम हटा दिए जाएंगे। इसके स्थान पर नए लाभार्थी यानी कि जो नए व्यक्ति हैं, नए पेंशनधारक हैं जिन्होंने पेंशन के तहत नया आवेदन किया है, उनको शामिल किया जाएगा। ऐसे में इस महीने के अंत में पेंशन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि दोस्तों जो यहां पे डेट दी गई है 15 जून तक दोस्तों सभी व्यक्तियों का, सभी पेंशनधारियों का जो सत्यापन है वह क्लियर कर दिया जाएगा और दोस्तों 15 जून के बाद आपको पेंशन मिल सकती है। यह सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया है कि सरकार कब से आपके अकाउंट में पेंशन करना ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन यह क्लियर जरूर कर दिया है कि जो सत्यापन है आपका, कागजात हैं वह, उनमें अगर कोई मिस्टेक है तो भी आपके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो इसलिए सरकार द्वारा सत्यापन किया जा रहा है, जो अपात्र व्यक्ति है उनको हटा दिया जाएगा और जो पात्र किसान हैं, सॉरी पात्र पेंशन धारक हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वर्ध अवस्था वह किसान पेंशन योजना के तहत जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर दोस्तों 60 वर्ष से अधिक है, उनको सरकार द्वारा 500 रुपये महीना यानी कि दोस्तों जो तिमाही उन्हें पेंशन दी जाएगी, वह तिमाही पेंशन 1500 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दोस्तों एक महीने की 500 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान में जो यानी कि चल रहा है, वर्तमान में 51 लाख से अधिक बुजुर्ग ऐसे हैं जो पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्ग व्यक्तियों को यहाँ पे 51,000 बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि किन व्यक्तियों को कितनी पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी, वह भी दोस्तों आपको बताएंगे। इससे पहले हर साल लाभार्थियों का सरकार भौतिक सत्यापन करती है, इसके लिए जिलाधिकारी अपने अपने यहाँ टीम बनाकर देखती है। यह देखती है कि कौन व्यक्ति पात्र है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है और जो अपात्र किसान हैं, अपात्र पेंशनधारक हैं, उनका भी नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है, उन्हें पेंशन नहीं दी जाती। दोस्तों जो पात्र किसान हैं, दोस्तों
उनको ही यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि फर्जीवाड़ा करके पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उनकी उम्र कुछ और है और कुछ और उम्र उन्होंने कागजात में लिखवाई हुई है। जैसे कि किसी की उम्र यहाँ पे 50 वर्ष है और उन्होंने 60 वर्ष लिखवा कर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस ऐसे व्यक्तियों को भी दोस्तों पेंशन नहीं दी जाएगी, अब की बार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब बात आती है कि कितनी पेंशन किसको बढ़ाकर दी जाएगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि आपको कितनी पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों आपको बता सकते हैं कि सरकार द्वारा अब की बार 150 रुपये या फिर दोस्तों 200 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी कर आपकी पेंशन आ सकती है। यह एक मीडिया रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है या फिर आपकी कितनी पेंशन रुकी हुई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं ताकि हम आपकी पेंशन का भी जानकारी आपको दे सकें। या फिर दोस्तों अगर आप अलग अलग स्टेट से हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि जो हम जानकारी दे रहे हैं यह उत्तर प्रदेश राज्य की है। दोस्तों अगर आप किसी और अदर स्टेट से हैं तो आप भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आप किस राज्य से हैं, अपना नाम, पेंशन का नाम, ताकि दोस्तों हम आपकी जानकारी आपको दे सकें और आपकी हेल्प करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी कोई सी भी पेंशन हो या फिर पेंशन के तहत आपकी कोई सी भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे और आपकी हेल्प भी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।